सियासत में वादे किए जाते हैं और मौका मिलते ही वादों को तोड़ भी दिया जाता है। हालांकि ये तरीका कांग्रेस ज्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले शरद पवार इस खेल में ज्यादा चतुर हैं। लेकिन शेतकारी स्वाभिमान पक्ष के नेता राजू शेट्टी से किया गया वादा अगर पूरा नहीं होता है तो यह पवार पर भारी पड़ने वाला है। शरद पवार ने राजू शेट्टी से विधान परिषद का सदस्य बनाने का वादा किया था, लेकिन अब इस वादे पर अगर मगर का खेल शुरू हो गया है। विधायकी की लिस्ट से अपना नाम काटे जाने के कयासों के बीच राजू शेट्टी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनसीपी पर निर्भर है कि वह समझौते का पालन करे या उनकी पीठ में धारदार खंजर भोंक दे। शेट्टी ने कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी और स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष के बीच लोकसभा सीट के बदले विधान परिषद के सीट का समझौता हो गया था। अब ये उस नेता को तय करना है कि वे अपने वादे को निभाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कभी एनसीपी के पास विधायक की भीख मांगने के लिए नहीं गया था। शेट्टी ने धमकी दी है, अगर उनके साथ धोखा हुआ तो वे जल्द ही एनसीपी को करेक्ट करने के अभियान की शुरुआत करेंगे। जानकारों का ये कहना है कि राजू शेट्टी किसानों को हुए नुकसान के अलावा उन्हें नया कर्ज दिलाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के कई नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि शेट्टी ने कहा कि वे राज्य के किसानों के हक के लिए आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। शरद पवार ने ये खुलासा किया कि राज्यपाल को महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए भेजे गए 12 नाम की लिस्ट में से स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष के नेता राजू शेट्टी का नाम नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि शेट्टी के नाम पर फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेना है। पवार का ये बयान ऐसे समय में आया जब इस बात की चर्चा तेज है कि 12 नेताओं की लिस्ट में से शेट्टी का नाम काटकर एनसीपी के नेता हेमंत टकले का नाम आगे कर दिया गया। पवार ने कहा, जो वादा एनसीपी ने शेट्टी के साथ किया था उसे हम निभाएंगे। उन्होंने इस बारे में शेट्टी को सलाह दी कि उन्हें टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि पवार ने शेट्टी के बारे में फैसला लेने का जिम्मा राज्यपाल कोश्यारी पर डालकर बड़ी कूटनीतिक चाल चली। ऐसे में यदि शेट्टी का पत्ता कटता है तो इसका ठीकरा राज्यपाल पर फोड़ा जा सकता है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी विधायकों की लिस्ट से राजू शेट्टी का नाम काटे जाने का खंडन किया। उन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से इन विधायकों की नियुक्ति की फाइल पर तुरंत साइन करने की अपील की है। इससे पहले 1 सितंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने राज्यपाल से मिलकर विधायकों की फाइल पर साइन करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल से मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संकेत दिए थे कि चुनाव में हार जाने वाले नेता की विधान परिषद सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती। इसके बाद से ही विधायकी की लिस्ट से स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष के नेता राजू शेट्टी की जगह हेमंत टकले के नाम को शामिल करने की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। हालांकि अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और जयंत पाटिल के दावों के बाद इस पूरे विवाद में नया मोड़ आ गया है। वहीं सवाल ये भी है कि अगर चुनाव हारने की वजह से शेट्टी की नियुक्ति नहीं हो सकती तो शिवसेना की ओर से उम्मीदवार के तौर पर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की नियुक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि वे भी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।